टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। विधानसभा हल्का आदमपुर में अकाली भाजपा उम्मीदवार पवन कुमार टीनू की चुनाव प्रचार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब के बहुत बड़े नुकसान किए हैं और अब चुनाव में जनता को यह देखना चाहिए कि किसने पंजाब के लिए क्या कुछ किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को ना तो कांग्रेस कोई सहूलत दे सकती है और ना ही कोई आम आदमी पार्टी। अमृतसर पूर्वी से कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में कांग्रेसी नेता मनु धुन्ना की अगुवाई में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर नवजोत को और सिद्धू और कांग्रेस शहरी के प्रधान जुगल किशोर शर्मा ने मनु धुन्ना को कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी नियुक्त किया। डॉक्टर सिद्धू ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव आयोग के समक्ष एफिडेविट फाइल किया है कि अगर सरकार बनने के 3 महीने में नौकरी नहीं मिलती तो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਿਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਅੱਗੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰੋ, ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 3.5 ਰੁਪਿਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਾ 3.5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3.5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਿਆ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ? ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪੇਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਮੇਂ आपके प्रधान केजरीवाल ने उम्मीदवार गुरविंदर सिंह शामपुर के हक में चुनाव प्रचार किया। केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए विरोधी नेता मजीठिया और कैप्टन को आड़े हाथों लिया, जहां एक तरफ उन्होंने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को 1 महीने में जेल भेजने का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग इनको मुख्यमंत्री तो दूर की बात, विधायक भी बनाने को तैयार नहीं है। अकाली दल वाले, बीजेपी, आरएसएस घर घर जाके लोगों को बोल रहे हैं तकड़ी पे वोट मत पाना, हाथ पे वोट पा दो। खुल के अकाली दल और बीजेपी वाले अब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। मेरी पंजाब के लोगों से अपील है कि कोई भी अगर आपको ऐसा आके कहे चुपचाप सुन लो, और सारे जने मिलके इस बार इन लोगों का जो गठबंधन है, जो ये बेशर्मी से मिलके पंजाब को लूट रहे हैं, वो साफ हो गया है, खुल के आ गए हैं ये सामने। घर घर जाके कई हलके ऐसे हैं जिसमें घर घर जाके ये बोल रहे हैं अकाली दल वाले, बीजेपी वाले कि हाथ पे वोट पा दो, तकड़ी पे वोट, अपने वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं पूरे लोगों को अपील करना चाहता हूँ, इस बार जम के झाड़ू पे वोट दो, और जो इन लोगों ने मिलके, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी और अकाली दल ने मिलके गुंडागर्दी कर रखी है, तो इस बार ये सब बंद करना। विधानसभा हलका फतेहगढ़ चूड़िया में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की ओर से चुनावी मुहिम को रफ्तार देते हुए बैठकें बुलाई जा रही हैं। उनका कहना था कि रैली चाहे प्रकाश सिंह बादल की हो या अरविंद केजरीवाल की, उनके हलके में कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई कहानी नहीं, केजरीवाल साहब ने किसी ने पूछा इतने जलसा, कोई गल हो ही नहीं, आम पार्टी ने किसी पूछा ही नहीं, तो सारी लड़ाई होर तरह की है, केजरीवाल साहब का कोई इतने रौला वाला नहीं। जिते मर्जी कर उन्होंने हक है, नहीं थोड़ा भी वो रैली नहीं कर सकते, असं भी तो की कर डे हाँ, इस करके उन्होंने हर का हक है जो इलेक्शन ने रैली करे, पर लोग समझ चुके ने भी वह वोटा ही खराब करने वाली गल है, वो कोई पंजाब नहीं। तुम अपना रिस्पांस देख ही लिया, एडा वधिया रिस्पांस कदे कांग्रेस नूं वीले च कदे नहीं मिलिया, जिन्होंने इन्ना इकट्ठ करके साडे नाल तुरन का फैसला किया, बहुत खुशी वाली गल है, बड़ी वधिया गल है। लोग समझ चुके हैं भी ये जे ना खत्म होए तो जवानी खत्म हो जानी है, नशा जड़ा बड़ा वधन दिया, खास करके फतेहगढ़ चूड़ियां हलके च। विधानसभा हलका फतेहगढ़ चूड़ियां से अकाली दल के उम्मीदवार व अपने पिता निर्मल सिंह काहलो के हक में चुनावी प्रचार में जुटे रविकरण सिंह काहलो का कहना है कि लोग अकाली दल की नीतियों से खुश है और इस बार अकाली भाजपा तीसरी बार सत्ता में आएगी। देखो जी, जिदन श्री भगवंत मान जी जेडे MP साहब आए सी साडे हलका फतेहगढ़ चूड़ियां दे विच, ते मेरे ख्याल तुसी भी तुहाडे टीवी चैनल ने भी कवर कीता होणा सी कि 1500 तों घट घट होया सी, ते अज बारे भी मैनू इहो ही अनुमान है कि जे उहनां दे आया इन्ना होया ते केजरीवाल साहब दे आया जदों 100 वध जूगा, इदों होर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो इन्हां चीज़ां दा कोई साडे इत्थे साडे गुरदासपुर जिले दे विच मैं नहीं कोई फर्क, ते इन्हां दा कोई जिहड़ा होया कोई साडे कोई प्रभाव आ, लोकां ने अपने अपने मन बणाए होए ने, ते लोकां ने श्रोमणी अकाली दल नूं तीजी वार जिहड़ी आ फिर मौका देणा।
विधानसभा हलका बटाला से अकाली दल उम्मीदवार लखबीर सिंह लोधी नंगल का बेटा तो पहले ही चुनावी प्रचार में उनके साथ जुटा हुआ है। वहीं अब उनकी बहू और बेटी भी लखबीर सिंह लोधी नंगल के हक में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। मैं सरदार लखबीर सिंह जी की वड्डी बेटी हाँ, तो सानू लोगों से बहुत उत्साह तो जोश मिल रहा, लोग साढ़े नाल तुर रहे हैं, तो काफ़ी हुंगारा मिल रहा लोगों का, तो बहुत ही वधिया वेलकम सानू मिलिया। फरीदकोट में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने परम बंस सिंह बंटी रोमाना के हक में चुनावी प्रचार करते हुए व्यापारियों के जलसे को भी संबोधित किया और उनको आ रही मुश्किलों को पहल के आधार पर हल करने का भरोसा दिया। दूजे पास आ भी साढ़े सामने ने कि दूजे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जिथे कैप्टन साहब जिन्हों की सरकार साढ़े तो पहले से आही कैप्टन साहब मुख्यमंत्री से आही पंजाब से जेड़ा खजाना बादल साहब नी दिता आई खजाना कैप्टन के कोल से, लेकिन इन्नी भरी संगत में एक बंदा खड़ा करके नहीं हाथ खड़ा करके दस सकता कि थोड़े घर चो कि सहूलत कैप्टन साहब ने भेजी जिदे थोड़ी तकलीफ कटी। विधानसभा हलका से अकाली दल पार्टी के उम्मीदवार गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने दावा किया है कि गुरदासपुर के कई इलाकों में उनकी विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार पोलिंग बूथ भी नहीं लगाएंगे और वह 25,000 की लीड से चुनाव जीतेंगे। बढ़िया चल रही कैंपेन, कोई प्रॉब्लम नहीं सानू, जिदा पहला माहौल चलिया पहले दिन उदा ही है, सानू कोई बंदा छड़ के नहीं गया, किसी ने मैं मना नहीं पैन दिया, जी पहले दिन गल कही उस तो वह 25,000 तो वह जितना ही, तो ये जो दूजे पार्टियां वाले बंदे ने कोई मैं नहीं लड़कता, कि मीटिंगा नहीं होनी, बहुत सारे पिंड जिन्हें बूथ नहीं लगने। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा हलका मोगा से अपने प्रत्याशी डॉक्टर परमजोत कमल के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर सिद्धू ने अपने व्यंग्यात्मक तरीके और मुहावरों व कहानियों के माध्यम से केजरीवाल सहित समस्त बादल परिवार पर तंज कसे। पोस्टर ला लेंगे घुले जे होके राज नहीं सेवा 10% सेवा जिहड़ी पंजाब दी कीती है वो मार कुट के कीती है, रज के लुटिया डट के कुटिया, ते नारा बदल दे 10% सेवा ते 90% मेवा। आ मजीठे वाले नूं मूंदा करके चार मारो छत्तर मूंह चो बजरी जेबा चो रेता दर 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 देखो टोपी वाला टेढ़ी टोपी और तिरछी टोपी वाले केजरीवाल जी, तालीम का शोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी। ये थी अब तक की मुख्य चुनावी खबरें, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।